गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। भोजपुरी सिनेमा का नाम आता है तो सीटी और तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है। इस वक्त महाराजगंज में है और देखिए मुझे भोजपुरी सिनेमा पे बहुत ज्यादा दिन बाद देखने को मिला है ये हाउसफुल का बोर्ड। ये क्यों मिला है? हीरा बाबू MBBS फिल्म लगी है, विमल पांडे हीरो है और हीरो के साथ डिस्ट्रीब्यूटर है। सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं विमल जी, बहुत बधाई, एकदम झंडा गाड़े हैं। भोजपुरी हाउसफुल का लोगो भी लग गया, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच कि यहाँ के जनता जनार्दन ने मुझे इतना प्यार दे रहा है, इतना प्यार दे रहे हैं मुझे। जैसा आप देख रहे हैं कि ये फिल्म जिस शो में मैं प्रमोशन के लिए आया हूँ हाउसफुल है और मल्टीप्लेक्स में लोग कहते हैं कि हमारी भोजपुरी ऑडियंस नहीं आती है, लेकिन आज यहाँ तो सच साबित हो रहा है कि नहीं, ऑडियंस आएगी जब आप उनको बुलाएंगे, उनको बताएंगे। तो ये आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी कुवत है, ऑडियंस जब जान जाएगी तो जरूर आएगी, ये बताइए हमको। ताकि भोजपुरी सिनेमा का बात आता है तो अक्सर जो है त्योहारों पे जो है हाउसफुल होते हैं, बिना किसी त्योहार पे आपकी फिल्म हाउसफुल हो रही है, ये कैसा लग रहा है? एक अलग अनुभव होगा। बहुत अच्छा लग रहा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि प्रभाकर जी, हमने जो मेहनत किया था, हमने जो प्लानिंग किया था, हमने जो होमवर्क किया था, आज होमवर्क मेरा पूरा हुआ और जो मैंने एग्जाम दिया था शायद उसमें मुझे रिजल्ट भी मिला कि एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म लगा के और जिस शो में मैं प्रमोशन के लिए आया हूँ, इतने लोग आए हैं कि सिनेमा हॉल में हाउसफुल लगा, अंदर लोग फिल्म देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। मैं देख रहा था अभी सिनेमा जब चल रहा था, तमाम लोग सीटी मार रहे थे, ताली मार रहे थे और वो आपके बीच के लोग थे, ताकि आप महाराजगंज जिले से आते हैं, तमाम लोग जब देखते होंगे हमारे गांव का लड़का, हमारे क्षेत्र का लड़का हीरो बन गया है, जो फिल्म में दूसरों के लिए सोचा जाता है, तो कैसा लगा इसे? बहुत अच्छा लग रहा है जब अपने लोग मुझे दूसरे रूप में देखते हैं और उनका सम्मान का नजरिया बढ़ जाता है, उनका देखने का नजरिया बढ़ जाता है। पूनम दुबे का इलाज करा रहे हैं, पोस्टर है, आला वाला लगाए हैं, क्या है कहानी इसकी? इलाज पूनम दुबे जी का नहीं, हम ऐसा कश्यप जी का कर रहे हैं। हाँ। पूनम जी एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, काम करके बहुत अच्छा लगा, वो सीनियर हैं और मुझे बड़ी मजा आया दोनों लोग साथ काम करके। अच्छा, ये बड़ा अलग हो जाएगा ना कि पूनम जी का इलाज विमल पांडे कर रहे हैं, कुछ लोग क्या सोच लेंगे? इलाज का मतलब होता है जो हीरो का काम होता है, हीरो का काम किया या जो डायरेक्टर मुझे बोलते हैं मुझे वही करना होता है और क्योंकि मुझे उसी के पैसे मिलते हैं तो जो डायरेक्टर ने कहा भी मैंने निभाने की कोशिश किया। आप बताइए आपको सिनेमा मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा है 4-5 साल बाद मैं भोजपुरी सिनेमा देखने आया हूँ और मैं जब भीड़ देखा हूँ तो मुझे अपना बचपना याद आ गया है कि हम लोग भी जाते थे, ताली मारते थे, एकदम लहराते थे, वो अंदाज मुझे दिखा है। अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फिल्म से मैं बताऊँ कि कई बार मेरा इमोशनल भी हो गया देख के, क्योंकि जब आप एक कलाकार की भावनाओं को समझ सकते हैं बेहतर, तो कई बार तो मैं जब आया हूँ देखा हूँ तो अंदर सिनेमा हॉल में इमोशनल भी हुआ कि चलो आज मैं ना। हीरा बाबू क्या करता है इस फिल्म में? हीरा बाबू एक गांव का हीरा लड़का है जो एक सामान्य लड़के की तरह है और लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ रहा था, शादी होती नहीं है, पैसे हैं नहीं, तो इसमें एक सोशल मैसेज दिया गया कि भाई परिवार के गार्जियन को ध्यान देना चाहिए, बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, लड़कियों को समाज में जगह दिया जाए, लड़कियों के पैदाइश पे रोक लगा दी जा रही है, लड़की नहीं चाहिए तो आने वाले लड़के भटकेंगे, हमारे जो पुरुष आएंगे भटकेंगे, तो एक सोशल मैसेज। पूरा फन है, पूरा मजा मसाला है, कॉमेडी है, मस्ती है, मैंने अच्छा परफॉर्म भी किया, डांस भी अच्छा करने की कोशिश किया, मैं देख रहा था बहुत अच्छा स्टेप मारा और मैंने फाइट भी करने की अच्छी कोशिश की है, तो एक कोशिश था कि फुल मनोरंजन दूं मैं। आगे कौन कौन सी फिल्म है? मेरी फिल्म आ रही लग्न पत्रिका जो एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, आपको उसमें मजा आएगा, उसमें एक्शन मिलेगा, आपको रोमांस मिलेगा। उसके बाद मेरी फिल्म आ रही बड़ी साइको टाइप की फिल्म, एक साइलेंट लव स्टोरी, अच्छा वाइब्रेट साइलेंट लव स्टोरी, इसका नाम है नजराना। ओके। और हो सकता है कि दोनों फिल्में मैं 1 महीने बाद रिलीज करना शुरू कर दूंगा। ये विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि विमल पांडे की फिल्म है, क्योंकि आपने मुझे इस तरह का बोलने का अवसर दिया है, मेरा हौसले को ऊपर बढ़ाया है, तो सिनेमा हॉल में जरूर आएगी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लगा था कि तमाम फिल्में तो बनती हैं लेकिन वो सैटेलाइट तक रुक जाती हैं। मुझे लग रहा है बहुत सालों बाद मैं देख रहा हूँ इस तरीके से प्रमोशन, प्रचार, प्रसार, होर्डिंग, पोस्टर, ये कुछ नया लगा। मुझे लगता है दर्शकों के बीच में जाएंगे तो दर्शक जरूर सराहेंगे, जरूर सराहेंगे। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो महाराजगंज तिराहे पे मेरी मर्सिडीज गाड़ी को सिपाहियों ने रोक दिया, उनको दूर से महसूस हुआ कि हमारी गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगा है, लेकिन हमने कहा हमारी गाड़ी में ब्लैक फिल्म नहीं, बोले जा कहाँ रहे हैं, हमारे स्टाफ ने बताया कि फिल्म के हीरो हैं, तो गाड़ी रोक के पल उन्होंने सेल्फी लिया और उन्होंने फोटो दिखाया है कि देखिए आपकी फोटो लगी हुई है। तो अच्छा लगा है कि लोग सम्मान दे रहे हैं, हमारे घर के लोग, मुझे देखने का नजरिया बदल गया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे तमाम दर्शक ये जानना चाहेंगे आप महाराजगंज के कहाँ के रहने वाले हैं? मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में सिसवा बाजार के बगल में एक गाँव है, गौरानी बनिया, तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ, विकासखंड निचलोल है हमारा,
कटहरी बाजार के बगल में गोरा निपनिया में वहीं। आज लग रहा होगा कि वो जो सपना 10 साल पहले विमल पांडे एक युवा देखा था मुंबई जाने से पहले, आज वो सपना साकार हो रहा है। जैसे तमाम हीरो आते हैं अपने फिल्मों का प्रमोशन के लिए, एक्टर सबसे बड़ी खुशी की बात होती है ना, जो ये शब्द है ये लिखा हुआ है ना, ये हमारे लिए हाउसफुल, हमारी भाषा में इसको गर्दा बोलते हैं, गर्दा बोलते हैं, गर्दा हो गया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, एक समझ लीजिए उपहार, एक तोहफा है। पांडे जी आपको बहुत बधाई इस फिल्म के लिए और सिनेमा में आए इसके लिए और बधाई, और निरंतर पूर्वांचल का झंडा गाड़ते रहिए, बाकी गांव वाले रिपोर्टर आपके साथ हैं अगर आप कुछ अच्छा करते रहते हैं। तो विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर पहुंचे हैं, ये छोटू महाराज सिनेमा मल्टीप्लेक्स सिनेमा महाराजगंज में एकदम अलग है और फिल्म भी एकदम शानदार, सैकड़ों की संख्या में युवा, एकदम ताली सीटी गड़गड़ाहट, और पीछे देखेंगे हाउसफुल का बोर्ड लगा है, मैंने कुल मिला के मजा आने वाला है। और मुझे लगता है ऐसे हीरो जो पूर्वांचल से निकल के पूर्वांचल की छाप दूसरे प्रदेश में, देश में, महाराष्ट्र में बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लोग का मनोबल करना चाहिए। तो गर्दा कीजिए, आप भी वीडियो शेयर कीजिए, और क्या, चलिए धन्यवाद।